ओके सो हे गाइस, वस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, 10K सब्सक्राइबर होने के बाद यार मैं आप सभी के लिए Q&A वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो गाइस, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड गाइस, अपना मतलब कि क्वेश्चन आप रेडी रखना, 10K सब्सक्राइबर होते ही मैं आप सभी के लिए एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा। एंड उस पोस्ट में आप सभी को अपना क्वेश्चन पूछना है। एंड बाकी उसकी जो वीडियो है वो मैं बहुत जल्द ले आऊँगा, बट आप 10K सब्सक्राइबर के लिए पहले यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब आप सभी को करना है कि आप सभी को पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया है, ठीक है। एंड इसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में, यहाँ से आप सभी को जी इसका आपका PNG है गाइस, इसको ले लेना है, ठीक है। एंड इसको पहले रोटेट कर लेना है, एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। इस टाइप से लगा देना है यहाँ पे। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को अभी क्या करना है, पहले तो यहाँ से आप सभी को पहले तो इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। इसको करना है ऑरेंज कलर, तो इसके लिए जाएंगे मर्जेस्ट में, फिर ह्यू में जाएंगे। ह्यू में जाने के बाद गाइस, आप सभी को यहाँ पे जो है ऑरेंज कलर को ऊपर नीचे करके देख लेना, आपको ऑरेंज कलर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऊपर की तरफ कर देना 24 तक, तो ऑरेंज कलर आप सभी को मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको कर देना है डुप्लीकेट। एंड डुप्लीकेट करने के बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड कर देना ऊपर की तरफ, ठीक है, इस वाले PNG को। एंड इसको पहले आपको रोटेट करना है, ठीक है। तो हम इसको पहले रोटेट कर लेते हैं, एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को यहाँ पे ऐसे लगा देना है, ठीक है, इस टाइप से लगा देना है। एंड उसके बाद फिर क्या करना है आप सभी को मैं बताता हूँ। इस तरीके से लगाने के बाद आप सभी को फिर तो यहाँ पे अप कर देना आप सभी को डन, ठीक है। एंड डन कर देने के बाद गाइस, आप सभी को जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड यहाँ से लेना आप सभी को अपने मॉडल का PNG, ठीक है। एंड गाइस, जो मेरा मॉडल है, मैंने इसका बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है। एंड जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे रखी है, 3 वीडियो की लिंक है, तीनों में से कोई भी वीडियो देख लेना, जोन सा स्टेप्स आप सभी को ईजी लगे आप उस स्टेप से आप कर सकते हो। बाकी आप सभी को फिर अपने मॉडल को डुप्लीकेट करना है, एंड उस मॉडल को लेकर चले जाना भाई इफेक्ट में, फिर उसके बाद चले जाना कलर्स में। फिर कलर्स में जाने के बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट में जाना है, एंड इसका अमाउंट 0 कर देना है, ठीक है। एंड डार्क ब्लैक हो जाएगा, फिर मर्ज कर देना है। एंड आप सभी को ले लेना है नेगेटिव वाला, एंड इसको भी यहाँ पे मर्ज कर देना है, ठीक है। तो इसका मर्ज कर देते हैं, एंड यहाँ से हम कर देता है डन, ठीक है। इतना करने के बाद आप सबको जाना है इरेजर टूल में, इसको इन्वर्ट कर देना है। फिर आपको ब्रश को सिलेक्ट करना है, इसके हार्डनेस को बिल्कुल कम कर देना है, ठीक है। एंड जिसकी ओपेसिटी थोड़ी सी, इसको भी कम कर देना है। एंड साइज़ को आप अपने हिसाब से रख लेना। एंड बाकी आपको अपने हेयर्स के ऊपर कुछ इस टाइप से पेंट कर देना है, ठीक है। मतलब कि जो व्हाइट कलर की जो हमारे ऊपर जो ग्लोइंग इफेक्ट आ रही है वो हमारे हेड के ऊपर पड़ रही है, तो ये दिखाने के लिए हमें ये व्हाइट कलर का ही PNG मैंने आप सभी को बनाने के लिए बोला, ठीक है। तो इसको जिस टाइप से कर लेना, एंड उसके बाद आपको थोड़ी बॉडी के ऊपर भी कर देना है पीछे की तरफ, ओके। सो पूरी में मत करना नीचे तक गाइस, ऊपर ऊपर तक ही रखना। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड आपको कर देना है स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन कर देने के बाद आप चाहो तो इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम भी कर सकते हो, अराउंड 90 तक कुछ। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको यहाँ पे क्या करना है, आप सबको कर देना है डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको गाइस फिर क्या करना है, आप सबको जाना ऐड फोटो में, आप सबको यार PNG मिल जाएगा। एंड इस वाले PNG को आपको गाइस ऐड कैसे करना मैं बताता हूँ आप सभी को। पहले तो गाइस, आप सभी को देख लेना आपके हैंड के पास कितना स्पेस है, ठीक है। फिर उस हिसाब से आप सभी को जिस PNG को ऐड करना है, जैसे कि गाइस देखिए यहाँ पे जो मेरा हैंड है, ये कहला कि गाइस ये इस फोटो के लिए नहीं था मॉडल, बट यार इसको मैं जैसे तैसे यहाँ पे एडजस्ट किया है। बट आप एक बार जब फोटो को शूट करोगे तो गाइस आप देख लेना एक बार कि आप वहाँ पर एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे इरेजर टूल में जाकर हार्डनेस को फुल करके हम जो टेक्स्ट है हम इसको भी मिटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके इरेज कर लेंगे, एंड आपको पूरे में इरेज कर लेना है, ठीक है। तो कुछ स्टेप से कर लेते हैं फटाफट से। ओके गाइस, सो यहाँ पे इतना परफेक्ट है। एंड उसके बाद आप सबको गाइस क्या करना है, आप सबको यहाँ पे सिंपली डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको जाना है टूल्स में, फिर एडजस्ट में जाने के बाद आपको ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, फिर इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है, साइज को छोटा कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको जो ये बीच वाली जो त्रिशूल की जो ये वाली बीच वाला जो हिस्सा है, इस पर आप सबको कुछ ऐसा ग्लोइंग इफेक्ट से डाल देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, ओपोसिटी फुली रखनी है, एंड उसको यहाँ पे आप कर देना है डन, ठीक है। इतना करने के बाद आप सबको गाइस एक लास्ट PNG रहता है हमारा, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ऐड फोटो में चलते हैं। एंड इस PNG को हम यहाँ पे जो है आपको अपनी पीठ के पास, मतलब यानी कि जो आप जगह होगी आपकी पीछे बैक साइड में, आपको उसके पास कुछ इस टाइप से लगा देना है, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, तो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड करना है। एंड उसके बाद आप सभी को ज़्यादा कुछ करना नहीं, यहाँ पे छेड़ना नहीं ज़्यादा, एंड डन कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, अपनी इस फोटो को सेव करके आपको ओपन कर लेना है लाइट रूम ऐप में। फिर उसके बाद जाना आपको लाइट वाला ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को बढ़ा देना है, शेडो को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जो व्हाइट है आप सभी को इसको बढ़ा देना है, एंड जो ब्लैक है गाइस इसको कम कर देना है। एंड चले जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को यहाँ पर आपको थोड़ा माइनस कर देना है, ठीक है। एंड जो टिंट है इसको आगे की तरफ बढ़ा देना है,
एंड चले जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है एंड ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आपको येलो कलर में, इसका ह्यू माइनस कर देना है आप सभी को एंड सैचुरेशन प्लस कर देना है। एंड ग्रीन कलर में लेना, इसका ह्यू माइनस कर देना है, ठीक है, हल्का सा, एंड इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस। फिर उसके बाद आप सभी को फिर करना, आपको जाना ये स्काई ब्लू में, इसका ह्यू माइनस एंड सैचुरेशन बिल्कुल माइनस। एंड डार्क ब्लू में जाना है, अब इसका यू प्लस में कर देना है एंड सैचुरेशन माइनस कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फिर करना है, आपको जाना पर्पल कलर में, इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस एंड उसको यहाँ पर डन कर देना है। एंड उसके बाद चले जाना कलर्स के नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी का सबसे उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद फोटो में जो विगनेट है वो डालना है, ठीक है, विगनेट जरूर डालना है। एंड इसके नीचे स्क्रॉल करोगे आपको ग्रेन अमाउंट दिख जाएगा, आप सभी उसको ही बढ़ा देना है। एंड उसके बाद चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस नोड रिडक्शन आप सभी उसको ही बढ़ा देना है। एंड गाइस जो कलर नोड रिडक्शन आप सभी उसको ही बढ़ा देना है, ठीक है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूं यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, यार चैनल पर नया होता है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।